लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ चेन और लिंग फेंग की फाइट शुरू हो गई थी और लिंग फेंग ने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने स्पेयर से साओ चेन की तरफ अटैक किया था। और अब जैसे ही लिंग फेंग का अटैक साओ चेन को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जब सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि इस अटैक के लगने के कारण साओ चेन के बॉडी से खून निकल गया था। और अब साओ चेन अपने खून को पोंछते हुए कहता है, ये मूव तो सच में डरावना था क्योंकि तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसने मेरे डिफेंस को ब्रेक किया है। और फिर साओ चेन कहता है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने अभी जिस टेक्निक का यूज किया वो जरूर डीमन लॉर्ड का है। जिस पर मंकी लॉर्ड बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये डीमन लॉर्ड का अनफिनिशेड सीक्रेट मूव था। और अब साओ चेन कहता है कि ये मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से तुम्हारी तीसरी थ्योरी भी अवेक हो गई है, इसलिए अब तुम मुझे अपनी तीसरी थ्योरी दिखा सकते हो। और अब साओ चेन की बात सुनते ही लिंग फेंग अपनी तीसरी थ्योरी को एक्टिव करने लगता है। और फिर लिंग फेंग अपनी तीसरी थ्योरी को निकालते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस तीसरी थ्योरी की पावर्स क्या है। और अब साओ चेन भी लिंग फेंग के तीसरी थ्योरी के पावर्स को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन ब्लैकी उस थ्योरी को देख के बस अपनी लार टपकाए जा रहा था। जिस पर साओ चेन ब्लैकी से कहता है कि सोचना भी मत, वो उसकी मार्शल थ्योरी है और तुम उसे नहीं खा सकते। और अब ये सुनते ही ब्लैकी का तो एकदम से मूड ऑफ हो जाता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि उस बच्चे के पास तो फ्लेमिंग डार्क आइस है, लेकिन इस बच्चे के पास ये चीज आई कहाँ से, क्योंकि ऐसी चीजें तो सिर्फ आउटर रिलम में मिलती है। और फिर ब्लैकी सोचते हुए कहता है कि अगर मुझे किसी तरह ये चीज मिल जाए तो मैं भी अपने अगले स्टेज में बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। और अब लिंग फेंग साओ चेन को चेतावनी देते हुए कहता है कि अब मैं जो अटैक करने वाला हूँ उस अटैक में मैं अपने संपूर्ण थ्योरी की पावर को डाल दूंगा और ये मेरा लास्ट अटैक होगा। और अब ये सुनते ही साओ चेन कहता है कि ये हुई ना बात, चलो दिखाओ मुझे कि आखिरकार ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी सारी पावर्स को उसी स्पेयर में स्टोर करने लगता है। और लिंग फेंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे भी जमने लगते हैं। और अब ये देखकर साओ चेन कहता है कि ये तो अपनी पावर्स को फैला रहा है। और अब हम देखते हैं कि लिंग फेंग ने जिस अटैक को जनरेट किया है उसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया ही जम गया है। और अब साओ चेन उस पावर को देखते हुए कहता है कि लिंग फेंग की पावर तो कमाल की है, क्योंकि ना सिर्फ उसने आसपास के माहौल को जमाया है बल्कि उसकी पावर की वजह से मेरी पावरफुल बॉडी भी जमने लगी है। और अब लिंग फेंग सीधे अपने स्पेयर को लेकर साओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब इस बार का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिससे लगते ही साओ चेन का एंशिएंट वेलर भी टूट जाता है। और अब साओ चेन लिंग फेंग से कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि भले ही मैं बस डिफेंस कर रहा था लेकिन मेरी बॉडी के प्रोटेक्शन बैरियर को और मेरे एंशिएंट वेलर को तोड़ना आम बात नहीं है। और अब लिंग फेंग कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपनी पूरी पावर लगा के इसके ऊपर दो अटैक किए लेकिन ये स्टील अभी भी मेरे सामने खड़ा है, वो भी बिना किसी इंजरी के। जिस पर मंकी लॉर्ड उसे समझाता है कि बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जिसने साओ चेन के एंशिएंट स्किल्स को ब्रेक किया है। और अब मंकी लॉर्ड साओ चेन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा पावरफुल है या नहीं, क्योंकि इस बच्चे की सात थ्योरी में से अभी बस्ती नहीं अवेक हुई है और इसने अभी से ही तुम्हारे डिफेंस को भी ब्रेक कर दिया। जिस पर साओ चेन कहता है कि मंकी लॉर्ड तुमने बिल्कुल सही आदमी को चुना है क्योंकि इस बच्चे की पावर्स लिमिटलेस है। जिस पर मंकी लॉर्ड कहता है कि मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब ये बच्चा एक सुप्रीम लॉर्ड बन जाएगा और इसके साथ ही इस बच्चे की सातों की सातों थ्योरियां एक्टिव हो जाएंगी और तब ये देखने वाली बात होगी कि ये लड़का किस तरह नोवर रिलम में कहर ढाता है। जिस पर साओ चेन भी हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये लड़का डीमन लॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा। और अब साओ चेन की बात सुनने के बाद मंकी लॉर्ड कहता है कि अगर तुम भी इस बात से एग्री हो तो अब तो मुझे इस बच्चे के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। और अब साओ चेन लिंग फेंग के पास आता है और फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि बच्चे लाइट चैंपियनशिप को शुरू होने में अभी भी कुछ दिन बाकी है और तब तक तुम अपनी पावर्स को और भी ज्यादा कल्टीवेट कर सकते हो ताकि तुम लाइट चैंपियनशिप में मेरा मुकाबला डट के कर पाओ, क्योंकि अगर उस टूर्नामेंट में मैं तुम्हारा ओपोनेंट रहा तो मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक जरूर करूंगा और इसीलिए जो अभी बचा हुआ टाइम है उस टाइम में तुम अपने स्पेयर की टेक्निक्स में खास करके ध्यान देना और जब तुम अपने स्पेयर की टेक्निक में एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो फिर तुम्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। और फिर साओ चेन उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है कि बच्चे हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। और अब साओ चेन की ये सारी बातें सुन के लिंग फेंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो साओ चेन से कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड लेवल पे ले जाऊंगा। और अब साओ चेन लिंग फेंग को छोड़ के काफी ज्यादा दूर आ जाता है और जब वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो फिर साओ चेन भी बड़ी उदासी से कहता है कि मुझे लगा था कि कोई भी मेरे एंशिएंट वेलर को ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से मुझे भी एकांत में जाके अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड लेवल पे करनी होगी, क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में मैं एक भी मैच हार जाता हूँ तो एक सुप्रीम लॉर्ड होने के नाते ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओ चेन वापस होटल लौट आता है जहाँ पर सारे लोग साओ चेन की राह देख रहे थे। और अब लिंग फेंग साओ चेन से कहता है कि मास्टर मैंने आपके गॉन्टलेट को रिपेयर कर दिया है। और इतना कहते ही लिंग फेंग साओ चेन को उस गॉन्टलेट को दिखाता है और इस गॉन्टलेट को देखने के बाद साओ चेन का भी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा ओपी था। और अब लिंग फेंग साओ चेन को बताता है कि जब मैंने इस गॉन्टलेट को रिपेयर कर दिया तो इसकी पावर एक अर्थ लेवल के 5 क्लास के वेपन के बराबर हो गई। जिस पर जियांग चुन कहता है कि बॉस ऐसे वेपन तो मेरी भी फैमिली के पास नहीं है। और अब साओ चेन उस गॉन्टलेट को पहन लेता है और फिर साओ चेन सोचते हुए कहता है कि अर्थ लेवल का गॉन्टलेट मेरे हेवनली डेजर्ट फिस्ट को कई गुना और पावरफुल कर देगा। और फिर साओ चेन सोचते हुए कहता है कि मैं अपने हेवनली ग्लव्स को कितना ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और अब साओ चेन लिंग फेंग को उसके कामों के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है, जिस पर लिंग फेंग भी काफी ज्यादा
बड़ा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। और अब साव चैन सबसे कहता है कि टूर्नामेंट को शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए अब एकांत में जाके मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूंगा, जिस पर सारे लोग भी यस मास्टर कहते हैं। और अब साव चैन जियांग चुन से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें स्किल दी थी तुमने उसकी प्रैक्टिस की या नहीं, जिस पर जियांग चुन डरते हुए कहता है कि बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक बार बस ये टूर्नामेंट शुरू तो हो जाए उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं। और अब जियांग चुन की ये बात सुनने के बाद साव चैन कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है ना, जिस पर जियांग चुन अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस पर साव चैन जाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो, वरना तुम इस टूर्नामेंट में बस एक कोने पे पड़े रहोगे, जिस पर जियांग चुन अपने मन में कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि साव चैन अपने कमरे में मेडिटेट कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे सारी चीजों के लिए पहले से ही तैयार होकर रहना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दागू ने जाओ फैमिली के मास्टर की बहुत ही अच्छी खासी धुलाई की थी। और अब जाओ फैमिली का मास्टर दागू से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर दागू कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे ये बता दो कि मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ या फिर नहीं, जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर कहता है कि ये तो सीधी सी बात है। और अब जाओ फैमिली का मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, क्योंकि इस लड़के ने बस मुझे एक ही अटैक में नीचे गिरा दिया था, और अगर ये लड़का टूर्नामेंट में एंटर करता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके लायक का कोई वॉरियर होगा। और अब दागू जाओ फैमिली के मास्टर से कहता है कि मैं अपने रियल पहचान को सबके सामने नहीं ला सकता, इसीलिए अगर कोई मेरे बारे में तुमसे पूछे तो तुम उससे ये कहोगे कि मैं तुम्हारा पुराना डिसाइपल था, जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर तुरंत हाँ कह देता है। और अब ये सुनने के बाद दागू हंसते हुए कहता है कि तुमने बड़ी जल्दी हाँ कह दी। और फिर दागू जाओ फैमिली के मास्टर को एक दवाई देते हुए कहता है कि इसकी मदद से तुम बस कुछ ही घंटों में रिकवर हो जाओगे। और फिर दागू कहता है कि जब तक ये टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है, जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर नो प्रॉब्लम कहता है। और अब दागू जाओ फैमिली के मास्टर से कहता है कि मुझे नींद आ रही है और तुम यहाँ से अब जा सकते हो। और फिर दागू आराम से बेड पे लेटते हुए कहता है कि मैंने जिनूरिलम को जितना कमजोर सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा कमजोर निकला। और फिर दागू हंसते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को छिपा लिया, और अब वो साव चैन भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग चुन साव चैन को अपनी नई ड्रेस दिखा रहा होता है। और फिर जियांग चुन साव चैन से पूछता है कि बॉस आपको मेरे नए कपड़े कैसे लगे, जिस पर साव चैन बहुत ही बोरिंग सा रिएक्शन देते हुए कहता है कि ये कपड़े मुझे बहुत ही ज्यादा खानदानी और पुरानी लग रही है। और अब ये सुनने के बाद जियांग चुन बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कहता है कि मैंने ग्रैंडपा से कहा था कि मैं उनकी पसंद के कपड़े नहीं पहनूंगा। और अब साव चैन हंसते हुए कहता है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साव चैन और जियांग चुन जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाली है उसके मेन गेट के बाहर खड़े होते हैं। और फिर साव चैन उस टूर्नामेंट वाले ग्राउंड को देख के कह रहा होता है कि इन्होंने जो ये चारों तरफ शील्ड को बिछाया है इस शील्ड पे तो एक डिवाइन रियलम का अटैक पड़ते ही ये शील्ड पूरी तरीके से टूट जाएगी, जिस पर जियांग चुन कहता है कि अरे बॉस शुभ शुभ बोलिए, इस टूर्नामेंट को आयोजन करने में जियांग फैमिली का भी पैसा लगा है। और अब जियांग चुन और साव चैन भी उस ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। और अब उस ग्राउंड के अंदर आते ही हम देखते हैं कि सारे प्रतिभागी और एल्डर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और फिर उन लोगों को देखते हुए जियांग चुन साव चैन से कहता है कि बॉस भले इस टूर्नामेंट को जाओ फैमिली के मास्टर ने आयोजित किया हो, लेकिन इस टूर्नामेंट के रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए टॉप रीजन के एल्डर्स को बुलाया गया है और ये सारे एल्डर्स इस टूर्नामेंट को जज करेंगे। और अब उन जजेस को देख के साव चैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पे जितने भी एल्डर्स मौजूद हैं उनमें से एक भी कमजोर नहीं है। और फिर साव चैन उनमें से एक एल्डर को देख के कहता है कि इन सारे एल्डर्स में से यही सबसे स्ट्रांग है और इसकी पावर को देख के लगता है कि इसने डिवाइन रिलम के मैक्सिमम पावर को भी रीच कर लिया है। और अब साव चैन जियांग चुन से पूछता है कि आखिरकार वो आदमी कौन है, जिस पर जियांग चुन भी कहता है कि बॉस की आप उस गंजे की बात कर रहे हैं। और फिर जियांग चुन कहता है कि उस आदमी का नाम जिन बाओ है और जिस मोटे को हमने किडनैप किया है वो मोटा इसका पोता है। और अब ये सुनते ही साव चैन को बहुत ही जोर से हंसी आ जाती है। और फिर साव चैन कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। और अब जिन बाओ भी साव चैन को देख के अपने मन में सोच रहा था कि साव चैन तुमने मेरे पोते को सताने की हिम्मत की और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिन फैमिली के लोगों को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। और अब यही सब सोचते हुए जिन बाओ अपने लोगों को इशारा कर देता है। और अब फाइनली जाओ फैमिली का मास्टर अनाउंसमेंट करता है कि भाइयों और उनकी बहनों आप सभी का इस भव्य टूर्नामेंट में स्वागत है और अब बिना किसी देरी के इस टूर्नामेंट को आज से और अब से शुरू किया जाता है। और फिर मास्टर जाओ कहते हैं कि मैं आप सभी को कुछ जरूरी चीजें संक्षिप्त में बता देता हूँ। इस इलाइट चैंपियनशिप में टोटल 400 लोगों ने भाग लिया है और इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का थीम है फ्री ब्रावलिंग। और इस फर्स्ट राउंड में आप 400 के 400 प्रतिभागी एक दूसरे के सामने होंगे और आप में से जो प्रतिभागी 2 घंटों तक अपने आप को इस बैटल ग्राउंड में टिका पाएगा वही प्रतिभागी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। और फिर जियांग फैमिली का मास्टर कहता है इस टूर्नामेंट में कोई भी स्पेशल रूल नहीं है, इसीलिए आप इस मैच के दौरान इस मैच को जीतने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं और इस मैच में वेपन पॉइजन मैजिक कुल मिला के आप सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। और अभी से और इस टूर्नामेंट के एंड होने तक यहाँ पे जितने भी मैचेस होंगे उन सब में एवरीथिंग इज फेयर वाला रूल लागू होगा। और इसके साथ ही इस टूर्नामेंट का एक और रूल ये है कि आप किसी भी प्रतिभागी को जान से नहीं मार सकते हैं। और अब इन सारी बातों को समझा देने के बाद जाओ फैमिली का मास्टर इस चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड को शुरू करने की घोषणा कर देता है।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।